हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार, मैं कर रहा हूँ एक नए सफ़र की शुरुआत। मैं जा रहा हूँ यार उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा यहाँ पे पड़ता है नॉर्थ में, ठीक है, ब्लैक सी के पास है। मैं किसी काम से जा रहा हूँ, वैसे कोई स्पेशल टूर नहीं है, अनप्लान टूर है ये, कोई अनप्लान ट्रिप है समझ लो, ठीक है। मैंने ना कोई बुकिंग करवाई है, ना कोई होटल बुकिंग है, ना कोई हॉस्टल बुकिंग है, डायरेक्ट जा रहा हूँ, ठीक है। एकदम से इमरजेंसी में निकल रहा हूँ यार किसी काम से, तो चलो लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। दिखाता हूँ उड़ीसा भी, उड़ीसा रह गया था, यहाँ पे मेन सिटी है वो, उड़ीसा रह गया था, तो उड़ीसा चलते हैं। अभी बस की वेट कर रहा हूँ, बस नंबर आएगी 500 जो सीधा मुझे यहाँ से लेके जाएगी अब तो बोगजाल मीन्स बस स्टैंड से मैं बस लूँगा सीधा फिर उड़ीसा की, ठीक है। डायरेक्ट लूँगा, कोई पहले बुकिंग नहीं है, ठीक है। वहीं पे जाके कंडक्टर से बात करूँगा, ड्राइवर से, कि उड़ीसा जाना है, देखते कितने की लगती है, ठीक है। वैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं अभी इस टाइम हूँ कीव में हूँ। कीव भी किसी काम पे आया था मैं, ठीक है। सो कीव से मैं जा रहा हूँ उड़ीसा, ठीक है। सो शायद मेरी 500 नंबर बस आ गई है, तो चलो बैठ के बात करते हैं, ठीक है। पहुँच गए अब तो बोगजाल। सो फाइनली मैं ये छोटी बस से उतर गया हूँ, पहुँच गया हूँ अब तो बोगजाल। अब तो बोगजाल मीन्स बस स्टैंड यार। सो बस स्टैंड पहुँच गया हूँ, तो जाके देखता हूँ बस कितने की पड़ती है, मुझे क्या रेंट है उड़ीसा जाने का कीव से उड़ीसा। ये सामने देखोगे आप, ये इनका रेलवे स्टेशन है, ठीक है। कुछ ऐसी लोकेशन है वो सामने, ये सैमसंग की बिल्डिंग है, ठीक है। नो आई हैव ये यहाँ पे देखो, ये बस स्टैंड की तरह हमारी मार्केट वगैरह लगी हुई है, ठीक है। आगे जाके सीधा जो है बस स्टैंड है, ये है बस स्टैंड का रास्ता। ओहो, ये कैसा कुत्ते बैठे हुए भाई, खतरनाक, खाई ना जाए मुझे। कभी कभी तो थोड़ा यार दिल्ली की तरह लगता है ये कीव का बस स्टैंड ना, कि जैसे दिल्ली में आ गए हो हम लोग। थोड़ा गंदा मंदा सा ही है यार, यहाँ पे थोड़े ऐसे बैगर्स वगैरह भी घूमते रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा दिल्ली की तरह लगता है, देखो खंडर सा है कि नहीं, ये चारों तरफ ये बस स्टैंड है इनका यहाँ पे ऐसा। ये बस स्टैंड पहुँच चुके हैं, यहाँ पे कहीं भी मुझे मिलेगी। ये है एक ये उड़ीसा की छोटी बस जा रही है, ठीक है। इसी में जाना पड़ेगा भाई, मुझे लगता है यही अवेलेबल है। बड़ी वाली बस देखता हूँ, अगर जो सीट मिल गई, जगह खाली हुई, तो मुझे दे देंगे सीट, अदरवाइज मुझे छोटी बस में जाना होगा। इसी बस में जा रहा हूँ अब मैं, ये छोटी वाली बस मिली है मुझे 300 रुपीज की, 300 गरीबना की, ठीक है। इससे मैं जाऊँगा उड़ीसा, बोल रहे कि 10 बजे तक तुम्हें जो है उतार देंगे, 4 बजे यहाँ से चलेगी, ठीक है। तो चलो चलते हैं। यार बस में बैठने से पहले ना ये ले लेना, जो वेजिटेरियन है कुर्तोश्का बोलते हैं इसको, ठीक है, आलू का होता है कुछ, तो वो खा के अब पता नहीं रास्ते में कहाँ रुकेगी। तो मैंने थोड़ा पेट पूजा कर ली है, सुबह से कुछ खाया नहीं था, आराम से बैठ के फिर रास्ते में शायद 2-3 घंटे बाद रुकेगी, फिर हम फिर पेट पूजा या कॉफ़ी वगैरह खा पी लेंगे। Thank you.
तो यार ये बस रुकी थी यहाँ पे, कोई इसने टायर टूर चेंज करवाना था अपना, तो यहाँ पेट्रोल पंप है ये पीछे, ठीक है, वॉशरूम वगैरह करके आए हैं। कुछ ऐसा एरिया है यहाँ पे यार जहाँ पे बस रुकी है, वो भी सामने भी पेट्रोल पंप है इनके। इनके यार पेट्रोल पंप के अंदर वॉशरूम वगैरह सब फैसिलिटी दी होती है। पेट्रोल पंप के पास ही जो एक छोटी सी शॉप भी होती है, मार्केट बोल लो, जिसमें सारा सामान मिलता है। मैं यार ये तो इंडिया में होने चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है यार। इंडिया के पेट्रोल पंप जो होते हैं ना, उनके आसपास जो उसके एक तो पेट्रोल पंप जो मार्केट होनी चाहिए जिसमें सारा सामान मिल सके, और वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा है नहीं, मेरे को लगा नहीं, मैं हरियाणा पंजाब में तो मैं घूमा हूँ काफ़ी, हिमाचल में, राजस्थान में, वहाँ मुझे दिखी नहीं ऐसी फैसिलिटी। ये भाई साहब अब यहाँ पे हमारी जो है टायर चेंज करवाने लगे हैं, शायद टायर इसका घिस गया था, सो टायर चेंज करवाने लगा है। ये देखो, ये ऐसी दुकानें होती हैं यहाँ पे भी, वो टायर ही टायर पड़े हुए हैं यहाँ पे, ऐसी दुकानें होती हैं। ये उठा रखा, पता नहीं क्या चल रहा है यार, अंकल जी टायर चेंज कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, सो फाइनली यार मैं पहुंच गया हूँ उड़ीसा। तो बस स्टैंड थोड़ा पीछे ही है, अंधेरा हो चुका है रात को, तो यार अब मैं कुछ खाने लगा हूँ शोरमा, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि रात को कुछ बनाया तो जाएगा नहीं, क्योंकि 11 का टाइम हो चुका है, ठीक है। हॉस्टल में जा रहा हूँ, हॉस्टल की बुकिंग करवा ली है, ठीक है, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में बात करते हैं अब आपसे, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।